नमस्ते, मेरा नाम खुशी है और आप देख रहे हैं द पंचायत। वीडियो शुरू होने से पहले हम आपसे आग्रह करते हैं कि आप कृपया कर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अब चलते हैं रिपोर्ट की ओर। केंद्र सरकार के 3 नए कृषि कानूनों के खिलाफ दिल्ली के बॉर्डर पर कई जगह किसान आंदोलन कर रहे हैं। इस बीच दिल्ली हरियाणा के सिंधु बॉर्डर पर किसानों की झोपड़ियों में आग लगने की खबर आई है। यही नहीं, किसान नेताओं ने इस घटना के लिए सरकार पर साजिश का आरोप लगाया है, जबकि आग की सूचना मिलने के बाद सोनीपत पुलिस और दमकल विभाग की टीम ने इस पर काबू पाया था। बहरहाल सोनीपत कुंडली बॉर्डर पर किसानों की झोपड़ियों में आग लगने की घटना दिवाली की देर रात की बताई जा रही है, जबकि झोपड़ियों में आग लगने की सूचना मिलने के बाद सोनीपत से दमकल विभाग और पुलिस मौके पर पहुंची। इसके बाद किसानों के साथ मिलकर आग पर काबू पाया गया। हालांकि इस दौरान किसी भी किसान को कोई नुकसान नहीं हुआ है, जबकि झोपड़ी में कूलर, बेड, पंखे, कपड़ों समेत जो भी सामान रखा था वो सब जलकर राख हो चुके हैं। इस दौरान एक ट्रॉली के भी जलने की बात सामने आ रही है। जानकारी के मुताबिक सोनीपत कुंडली बॉर्डर पर चल रहे किसान आंदोलन की रसोई ढाबे के सामने बनी कई झोपड़ियों में अज्ञात कारणों के चलते आग लग गई। यही नहीं, देखते ही देखते आग इतनी भयंकर हो गई कि झोपड़ियों में रखा सामान जलकर राख हो गया। हालांकि किसानों से पहले इस पर खुद काबू पाने की कोशिश की थी, लेकिन जब पार नहीं हो पाया तो दमकल विभाग को सूचित किया गया था। इसके बाद इस पर काबू पाया गया। वहीं आग की घटना के बाद मौके पर मौजूद किसानों के बीच अफरा तफरी फैल गई। हालांकि दमकल विभाग की गाड़ियों ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पा लिया था। जबकि इस घटना ने किसान नेताओं को सरकार पर साजिश करने का आरोप लगाया है। किसान नेता ने कहा कि सरकार साजिश रचकर किसान आंदोलन को खत्म करना चाहती है और यह घटना भी सरकार की साजिश है। इसके साथ किसान नेता ने कहा कि इस तरह की घटनाओं से आंदोलन टूटने वाला नहीं है और हम दोबारा से मजबूती के साथ खड़े होंगे। इस रिपोर्ट में बस इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक और कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद।